आपका संविधान में प्रियंबल तक पढ़ाया गया था, यानी कि उद्देशिका तक हम बताए थे, यानी कि प्रियंबल तक। इसके बाद आपका संविधान में चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, यानी कि आपका एक एक चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। तो जहाँ से क्वेश्चन पहले ज़्यादा बनते हैं वे चैप्टर पहले पढ़ाए जाएंगे, और जहाँ से कम बनते हैं वह आपका बाद, ताकि पहले से आप पूरी तरह एक बार पढ़ाया रहेगा तो उस समय एग्जाम के समय रिवीजन भी कर सकें। तो जो संविधान में कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, प्रियम्बल के बाद एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम बताएंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को बताते बताते तमाम संविधान के अनुच्छेद भी कोरिलेट होंगे, और मेन मेन जो केस है वो भी कोरिलेट होंगे आपका। और क्वेश्चन किस मॉडल से इसमें बना है वह भी हम बताएंगे, और आपका तमाम दो तीन क्वेश्चन आपका मन मान के चलिए इस मॉडल से बने। तो आपका जो शुरू किया जा रहा है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का संशोधन, यानी कि जो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर वह आपका कर रहे हैं संविधान का संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एमेंड करना है कुछ चीज़ें तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब इसमें पहले क्वेश्चन का मॉडल बना लिया जाए, तब आपका शुरू किया जाए। इंटरव्यू में भी बना है हम बताएंगे आपका। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करिए, तो आपका ये एक बनता है मॉडल। दूसरा जो मॉडल अच्छा मेंस और प्री में बनता है कि मूल अधिकारों में क्या संसद संशोधन कर सकती है कि नहीं, उसकी सीमाओं सहित इसका उल्लेख करिए, यानी कि फंडामेंटल राइट को क्या चेंज किया जा सकता है कि नहीं, संशोधित किया जा सकता है कि नहीं, इस पर क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका ये बनता है कि मूलभूत ढांचे से आप क्या समझते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, क्या मूलभूत ढांचे की सिद्धांत की उत्पत्ति और व्याख्या करिए, फिर दे देगा इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करिए। ये मेंस में तीसरा क्वेश्चन बना, और प्री में तो भाई हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही रहता है। ज़्यादातर इन सबों से दो या तीन क्वेश्चन आपका, मैं बता दूं, आपका प्री में भी कवर करेगा, यानी कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं इसको भी आपका उठाना है। तो जहाँ तक हमारे संविधान की बात है, हमारे संविधान के आपका भाग 20 में, यानी कि संविधान के पार्ट 20 में और आर्टिकल 368 में आपका संविधान का संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी कि अगर हमारे संविधान में ही कुछ एमेंड करना है, कुछ संशोधन करना है, तो पहले तो भाग और अनुच्छेद याद रखना है। तो संविधान का संशोधन किस भाग में दिया गया है, तो आप कौन सा भाग याद रखेंगे, 20 में, और किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 368। हम संशोधन को बताएंगे अलग अलग, लेकिन आपका जो शुरुआती दौर किया जाता है, कि शुरुआती दौर में जब संविधान सभा में इस अनुच्छेद को लेकर बहस हो रही थी, तो ऐसी दशा में तमाम संविधान निर्माताओं ने इस पर अपनी बातें रखी। सबका एक ही विचार था कि आज जो हम लोग कर रहे हैं, या आज मैंने जिस संविधान का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, ये हो सकता है कि कल परिस्थितियां भिन्न हो और संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता पड़े। तो हम ऐसा संविधान भी नहीं बना सकते जो परिवर्तित ही ना हो सके, और ये भी इसके साथ देखना है कि ऐसा भी संविधान ना हो कि कोई भी सरकार आए तो वह आसानी से चेंज कर सके। अतः ऐसी दशा में
एक बीच का रास्ता निकाला गया और बीच का रास्ता वह था कि कुछ प्रावधान जो फेडरलिज्म से संबंधित हैं, परिसंघ से संबंधित हैं या जो मूल तत्व हैं संविधान के, उसमें संविधान संशोधन करके और उसमें परिवर्तन का जो मामला है उसको कठोर बना दिया जाए, आपका कह सकते हैं अनम्य बना दिया जाए, और जो छोटे मोटे प्रावधान हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं उसमें संशोधन की प्रक्रिया को आपका थोड़ा बहुत नम्य बनाया जाए, उदार बनाया जाए, यानी कि लचीला बनाया जाए। तो पहला क्वेश्चन आईएएस में ये बना, पीसीएस में भी, कि उदार और कठोर या लचीला और कठोर या आपका नम्य और अनम्य, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो बस एक लाइन याद रखिएगा, संविधान में संशोधन के लिए। तो हमारा संविधान आपका नम्य भी है, अनम्य भी है, यानी कि आपका लचीला भी है, कठोर भी है आपका। तो कब हम नम्य कहेंगे संविधान को और कब अनम्य कहेंगे, यानी कि कब लचीला और कब कठोर कहेंगे, पहले ये समझिए। अगर किसी भी संविधान में संशोधन करना आसान या इजी हो तो हम कहते हैं कि वह संविधान लचीला है, नम्य है, उदार है। और किसी भी संविधान में अगर संशोधन करना, मैंने कह सकते हैं, कठिन हो, यानी कि आपका तमाम तामझाम हो, तो हम कहते हैं कि वह आपका अनम्य संविधान है, कठोर है, यानी कि कठोर या अनम्य कहिए। तो भारत का संविधान क्या है, नम्य है कि अनम्य है कि दोनों है? दोनों है। क्यों दोनों है? पहला पॉइंट उसी पर हम देखते हैं। देखिए, जहाँ तक संविधान में संशोधन की बात है, अभी देखिए तमाम चीज़ें दो तीन दिन चलेंगी, कम से कम दो से तीन दिन लगता है, अभी तो शुरुआत किया गया। जहाँ तक संविधान में संशोधन की बात है, संविधान में जो संशोधन या किया जाएगा वह तीन तरीके से हो सकता है। पहला तरीका ये है कि सादा बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब आधा से एक क्या हो, अधिक, जैसे कि 101 लोग हैं तो कितने लोग पक्ष में मतदान कर देंगे तो संशोधन संविधान में हो जाएगा, तो 51 लोग। इसको कैसी मेजॉरिटी हम कहते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, पहला नियम। ये जो साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन है, संविधान निर्माता इसको अलग रखे और अनुच्छेद 368 से इसे क्या रखा गया है, बाहर। तो अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये बैठाना है कि आखिर जो साधारण बहुमत से संविधान में जितने संशोधन होते हैं वे आपका क्या 368 से गवर्न होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। यानी कि इन प्रावधानों को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया। बाहर रखने का मुख्य कारण ये था कि सादे बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से जो अमेंडमेंट किए जाते हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है और महत्वपूर्ण अंगों या फेडरलिज्म पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते। अतः ये कहा गया कि भारत की संसद सादा बहुमत या साधारण बहुमत से उस अनुच्छेदों में क्या कर सकती है, संशोधन, बताया जाएगा आगे। अभी भूमिका चलिए, आज अभी बेयर एक्ट इतना आसान नहीं है शुरू करना, आज शुरू नहीं हो पाएगा, आज तो भूमिका में ही लग जाएगा छोटी छोटी बातें बताने में। जो 368 का प्रावधान है वह आपका केवल दो प्रक्रिया बताता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आया कि 368 के तहत अगर देखिए ऐसे पूछे कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो तीन मारिए सामान्य,
अगर ये पूछे, अगर स्पेशली देखिए यही पॉइंट पकड़ना आईएएस में इत्यादि में, अगर ये पूछे कि संविधान के आर्टिकल 368 के तहत कितने प्रकार के संशोधनों का प्रावधान है, तब 3 न मारिए, तब कितना मारना है, 2। फिर एक बार पकड़िए पॉइंट, अगर सामान्य क्वेश्चन आए कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से, यानी कि पूरा पूछ रहा है 368 का अनुच्छेद का उसमें यूज ही नहीं किया है, तो कितना प्रकार मारेंगे, 3। और अगर ये पूछे कि आर्टिकल 368 में कितने प्रकार से संशोधन की बात की गई है, तब 3 न मारिएगा, कितना, 2। अब 2 कौन कौन है वह प्रावधान देखिए, एक सेकेंड। हेलो, देखिए आपका जो अनुच्छेद 368 में संशोधन की बात की गई है, फिर एक बार याद करके जाएगा केवल कितना प्रक्रिया दी गई है, 2। आपका एक स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी को कहते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब ये हुआ कि उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, यानी कि अगर उपस्थित और मत देने वाले सांसदों में से दो, आधा नहीं, अब कितना, 2/3, कम से कम 2/3 सांसद उस संशोधन के फेवर में मतदान कर देते हैं, तो कुछ संविधान के प्रावधानों में संशोधन या परिवर्तन हो सकता है। तीसरा जो प्रावधान है वह प्रावधान है संसद का विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत मतलब कितने से कम 2/3 और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन। अब यही आपका सतर्क रहना है कि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन, तो यहाँ से अमेरिका से भी जोड़कर पूछा जाता है, अमेरिका में कम से कम कितने राज्यों का समर्थन होना चाहिए, 2/3, और भारत में आपका आधा, आधा से अधिक नहीं, कम से कम कितना। यानी कि पहला पॉइंट हमें आगे बताया जाएगा कौन कौन प्रावधान है, अभी नहीं ये देखना है। पॉइंट हमें पहला ये पकड़ना है कि संविधान के अनुच्छेद 368 में केवल और केवल कितने प्रोसीजर दिए गए हैं, 2। पहला क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत, और दूसरा कौन सा, विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन। तो अब ये जो जीएसटी वाला है ये आपका किस में आता है, पीसीएस में पूछा गया, तो जीएसटी साधारण में आता है कि विशेष में, ये तीसरे पॉइंट में आता है। तो ये लिस्ट अनुच्छेद 368 में दी गई है, और उसी लिस्ट में जो ये तीसरे पॉइंट की लिस्ट हम बताएंगे आगे, अभी तो 1-2 दिन लगेगा ही, तीसरे पॉइंट की लिस्ट है आप देख सकते हैं, उसमें जीएसटी का भी उल्लेख किया गया है।
तो जीएसटी पर कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं इस बार इसी को पढ़ाते समय, क्योंकि आईएएस और पीसीएस और जे में आ रहा है कि जीएसटी से संबंधित कौन कौन सा अनुच्छेद है, एक जगह हम इस बार एकत्र करवाएंगे इसी को पढ़ाते समय। तो जो जीएसटी का मामला है वह किस में आएगा, उसमें संशोधन करना है संविधान में, करों के मामले में तो कौन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो अगला क्वेश्चन तीसरी यानी कि संसद का कैसा बहुमत विशेष और कम से कम कितने राज्यों का अनुसमर्थन, आपका माने कम से कम आधा, आधा से अधिक न मार दीजिएगा, कम से कम कितना, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और कैसे आपका माने कह सकते हैं कि 25% जनसंख्या 75% पर हावी होगी, राज्य का मतलब कि जो छोटे छोटे 7 राज्य पूर्वोत्तर के हैं वो ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, बड़ी आबादी वाले राज्य छोड़ दीजिए, उनसे पास करा दीजिए, तो संविधान में क्या हो जाएगा संशोधन, तो उसको हम बताएंगे तर्कवाइज। अब आइए दूसरा पॉइंट ये देखा जाए कि जहां तक संविधान संशोधन की बात है, संविधान संशोधन की ये जो प्रक्रिया है वह कहां से प्रेरित है, कहां से ली गई है, तो आपका जवाब रहेगा साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। दूसरा क्वेश्चन यानी कि कहां से लिया गया प्रावधान, दक्षिण अफ्रीका से। तीसरा क्वेश्चन आइए जो आपका जेब में बन चुका है, तीसरा क्वेश्चन ये बना, भी सामान्य बातें चलेंगी, अगर अनुच्छेद 368 में ही संशोधन करना है, इसी अनुच्छेद में एमेंड करना है, कुछ जोड़ना है घटाना है, तो कैसे घटाया जोड़ा जाएगा, इसका मतलब यह है कि जो अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है अगर उसी अनुच्छेद में कुछ एमेंड करना, हम बताएंगे एमेंड का मतलब भी, वो भी इंटरव्यू में पूछा गया, बेयर एक्ट में ही दिया है, अगर उस प्रावधान में कोई एमेंड करना है तो कैसे एमेंड होगा, कैसे वो संशोधित होगा, ये आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है, गलत ना हो। तो अगर संविधान के संशोधन वाले अनुच्छेद यानी कि किस अनुच्छेद में 368 में संशोधन करना है तो जो तीसरी प्रक्रिया है वह अपनाई जाएगी, तो ऑप्शन ये देखिएगा कि संसद का विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों का क्या अनुसमर्थन, यानी कि इसका मतलब कि 368 में ही संशोधन करना है तो कैसे संशोधन होगा, फिर हम एक बार बता रहे हैं कठिन क्वेश्चन है ये, नहीं कि आसान है। तो आपका संसद का कैसा बहुमत विशेष माने दो तिहाई बहुमत और कम से कम कितने राज्यों का अनुसमर्थन, तो आपका जवाब रहेगा आधा से आपका कम न हो, यानी कि कम से कम कितना, आधा से अधिक न मार कराएगा, फिर मैं कम से कम कितना, आधा, दो तिहाई, अमेरिका में कितना है दो तिहाई, भारत में कितना है आधा, आजकल कोरिलेट करके पूछ रहा है। अब आया कि क्या 368 में संशोधन हुए हैं कि नहीं, और संशोधन हुए हैं तो भाई कितनी बार हुए हैं, तो अब आपका संख्या याद रखनी है कितनी बार हुए हैं। तो क्वेश्चन अगला प्री का कि अनुच्छेद 368 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, यानी कि संविधान के संशोधन के ही अनुच्छेद में क्या करा डालिए संशोधन, तो कितनी बार मार कर आएंगे, चार। अब चारों क्रम से रटना पड़ेगा, पहला जो संशोधन है वह 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा आपका है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, तीसरा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, और जीएसटी जोड़ा गया इस संविधान संशोधन द्वारा 101 द्वारा। तो पहले शुरू चारों हम बताएंगे डिटेल में, अभी सामान्य बातों में फिर एक बार देखिए गलती न हो, यह न समझिए कि आसान क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कठिन ही आएगा, क्योंकि भाई आपका अब कितना अंदर तक आप जानते हैं,
कितना आपका कंसेप्ट क्लियर है उसी आधार पर आपका कवर होगा। फिर एक बार देखिए, अनुच्छेद 368 में अब तक 4 बार संशोधन हो चुका है, क्यों हुआ ये भी हम बताएंगे आपका। चारों संशोधनों का उद्देश्य क्या था? पहला संशोधन राज्यों के पुनर्गठन के कारण हुआ, 7वां जो है। 24वां संशोधन गोलकनाथ में दिए गए निर्णय के कारण हुआ। 42वें संविधान संशोधन यानी कि इस अनुच्छेद में तीसरा, ये केशवानंद भारती के वाद के कारण हुआ। और चौथा आपका जीएसटी के कारण हुआ। तो कारण भी हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये तो याद रखिए कि कितनी बार संशोधन किया गया है आपका, 4 बार। अब आगे आइए, इसके बाद आपका 2 पॉइंट मुख्य रूप से देखना है। 2 पॉइंट जो मुख्य रूप से देखना है, अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक, अभी आपका टीजीटी पीजीटी में पूछा गया था। और दूसरा हमें देखना है आपका, कह सकते हैं कि क्या राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए उसका विवेकाधिकार है कि वह बाध्य है। यानी कि फिर एक बार समझिए, पहले तो ये जानिए कि क्या संविधान में, हाँ एक और तीन भाई बता दिया जाए, तीन आपका किया जाए, 100 अनुच्छेद 123 भी और आपका 111 प्लस आपका इसी में आपका 368 का क्लाज 2 111 में नहीं, वो साधारण विधेयक के लिए 368 का क्लाज 2। देखिए 3 पॉइंट देखिए अच्छे से, कंसेप्ट बनाइए कह करके अच्छे से इसको देखना, ये नहीं कि जरा भी अगर मिस किए तो मैं बता दूं आपका निश्चित रूप से आपका गलत होने की पूरी संभावना रहती है। ध्यान से देखिए इसको, पहला हम 3 कॉन्सेप्ट बनाइए संविधान के संशोधन के। पहला हम लिखे हैं आर्टिकल 108, यानी कि क्वेश्चन ये बनता है कि किस मामले किसके लिए संसद की ज्वाइंट सीटिंग या संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो आपका धन विधेयक के लिए और संविधान में संशोधन के लिए, अर्थात यदि संविधान में संशोधन करना है तो हर हाल में राज्यसभा अलग पास करे, लोकसभा अलग पास करे। अगर ये सरकार चाहे कि हम एक जगह दोनों को बुलाकर ज्वाइंट सीटिंग कर लें अनुच्छेद 108 के तहत, तो ये संभव नहीं है। तो बताइए किसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती? तो साधारण विधेयक कि आपका संविधान में संशोधन, तो संविधान में संशोधन, एक साथ नहीं बैठक हो सकती। याद रखिए ये अलग अलग क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। लोकसभा अलग संविधान संशोधन पास करे और राज्यसभा क्या करे, अलग। तो ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी, ये कई बार पूछा गया, गलत ना हो। अगला देखिए अनुच्छेद आपका 123, आर्टिकल 133 के तहत क्या प्रावधान है? ऑर्डिनेंस का है, अध्यादेश का। यानी कि जब संसद का सेशन या सत्र न चल रहा हो तो भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि अगर तत्काल कानून की आवश्यकता है तो वह ऑर्डिनेंस द्वारा, अध्यादेश द्वारा कानून बना सकते हैं। और जब संसद की बैठक होगी तब संसद में ये अध्यादेश रखा जाएगा और पास हो गया तो ठीक, और नहीं पास हो गया तो यह अध्यादेश क्या हो जाएगा, अपने आप लैप्स कर जाएगा, समाप्त। अब समस्या ये आई कि अध्यादेश जब जारी किया जाएगा तो सामान्य कानून बनाने के लिए होगा कि संविधान में संशोधन के लिए, अर्थात क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके संविधान में संशोधन कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता, याद रखिए नहीं कर सकता। फिर हम बता रहे हैं, न तो ज्वाइंट सीटिंग होगी और न ही राष्ट्रपति को पावर है कि वह
आपका अध्यादेश जारी करके संविधान में क्या कर दें? संशोधन। संविधान में संशोधन केवल संसद ही करेगी, वो भी मैं बताया कि लोकसभा अलग संशोधन को पास करे और राज्यसभा क्या करे अलग। भाई कंसेप्ट बनाइए, कठिन है आपका, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब निकल रहे हैं, ऐसे आसान नहीं है, किताब उताब में जल्दी नहीं मिलेंगे, जाकर खोजिएगा, किताबों के बस की बात नहीं है ज़्यादा। अगला आइए, 368 का खंड कौन सा? दो। देखिए इसको भाई, अब 368 के खंड दो में हम बताएंगे उसका इतिहास भी, आगे बेरक शुरू होगा तो एक एक शब्दों को मथना है। अनुच्छेद 368 के खंड दो में आपका ये प्रावधान किया गया, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा, कि जब लोकसभा राज्यसभा द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति आनाकानी नहीं करेंगे, यानी कि संविधान संशोधन पर अनुमति देने के लिए क्या है बात। तो क्या अब यहाँ देखिए TGTIS में कैसे बनाए क्वेश्चन, कि किस विधेयक को भारत का राष्ट्रपति माने संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो एक तो मनी बिल है, धन विधेयक, लौटा नहीं सकते, साइन करना ही होगा। दूसरा कौन सा विधेयक है? संविधान संशोधन विधेयक। अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया और राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा गया, तो अनुच्छेद 111 में न खोजिएगा, कहाँ खोजना है आपको? 368 के किस क्लाज में? आपका दो में स्पष्ट बताया जा रहा है कि आपका वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, कोष्ट में बेरक में लिखा है, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा। तो बताइए दे सकेगा कि देगा, तो देगा मतलब विवेक है कि बाध्यकारी। तो अभी साम्या बताया गया, अगर साम्या का मामला रहता तो न्यायालय का विवेक है कि बाध्य है, और यहाँ राष्ट्रपति क्या है? बाध्य। तो क्या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि नहीं? वीटो का प्रयोग कर सकता है कि नहीं? नहीं। अब ये क्यों जोड़ा गया? इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्हें लगा कि हो सकता है राष्ट्रपति कहीं लिखा ही नहीं गया है तो कहीं इनकार न कर दे, पॉकेट में न रख ले, पुनर्विचार के लिए लौटा न दे, तो न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, तो संविधान में ही लिख दिया जाए कि राष्ट्रपति क्या होंगे साइन करने के लिए, बात आनाकानी नहीं कर सकते। ये तीन कॉन्सेप्ट हर हाल में क्या करना है? तैयार शुरुआती दौर। अब देखिए, जो संविधान में संशोधन होता है, अब उसको आपका ये मूल अधिकार में संशोधन पर कॉन्सेप्ट, आज कॉन्सेप्ट ही में लग जाएगा भाई, क्योंकि 2-3 दिन लगता है इसको पढ़ाने में। मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं, इस विषय में जो विवाद है आपका मेंस में भी आएगा और प्री में भी। ध्यान से देखिए, जहाँ तक फंडामेंटल राइट की बात है, मूल अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है कि नहीं इस प्रक्रिया का पालन करते हुए, तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं था कि मूल अधिकारों का क्या होगा। तो क्या जो हमारे संविधान निर्माता मूल अधिकार दिए थे तो उनकी या माने उनका व्यू क्या था? अब इसके लिए आपका संसद ने मूल अधिकारों में संशोधन किया, प्रथम संविधान संशोधन और मूल अधिकारों में छेड़छाड़ की, और तत्पश्चात शंकरी प्रसाद ने उसको चुनौती दी। तो 4-5 केस याद रखना है, क्रम से मैं बता रहा हूँ, बताया जाएगा डिटेल में। पहला केस शंकरी प्रसाद का, क्रम से याद रखिएगा, दूसरा के सज्जन सिंह का, तीसरा गोलकनाथ का, चौथा आपका केशवानंद भारती, पांचवा याद करना चाहे तो श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी, छठवां मिनरवा मिल, सातवां वामन राव और आठवां IR सिल्हो। तो कितने केस हम क्रम से बताएंगे? 8।
और 8 में टेक्निकल पॉइंट, देखिए नेट में कैसे बनता है और कैसे आपका जे में बना। बिहार में अभी आपका श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी का केस बना था जे में, पिछली बार ये बना था कि गोलकनाथ में किन दो केसों को उलट दिया गया तो केशवानंद भारती बन जाता है, तो डिटेल में हम बताएंगे। इसके बाद जो आपका संविधान में संशोधन का प्रावधान है, एक कॉन्सेप्ट और बना लीजिए लास्ट में। देखिए संविधान में संशोधन जो होता है उसके तमाम पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि संविधान के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि एक उदाहरण अच्छे से देखिए, आप जाकर बेहद ध्यान से देखिएगा, संविधान के प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। यानी कि प्रावधान बदल गए लेकिन संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। आप एक उदाहरण हम बता रहे हैं अनुच्छेद 124 का, जाकर घर पर देखिएगा क्लॉज 1 क्या लिखा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत, ये मैं पूछ लिया, अब ये रटते रहे 124 के किस क्लॉज में। और इसमें न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7, जब तक कि संसद क्या करके विधि बनाकर न्यायाधीश